एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू पार्टनरशिप क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रोफिट्स ऑफ अ बिजनेस तो ये क्या है बेसिकली अगर आप देखो ये रिलेशन है जिसमें पार्टनर्स आपस में अग्री करते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर रेशियो में बांटेंगे एंड कैरीड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं आपस में एक तरह से अग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग जो भी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग वो एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटेंगे और एक भी इंडिविजुअल दूसरे के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है अगर ऐसी सिचुएशन डिमांड करती है तो ऐसे में ये डिसीजन लिया जा सकता है लेकिन होता है क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पार्टनर्स इन बिटवीन डिसाइड कर लेते हैं कि जो वो पुरानी रेशियो बांट रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो अब चेंज करना चाहेंगे या चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में ही अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे रिकंस्टिट्यूशन क्या है अगर आप देखो रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप की तो एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर जब भी कोई चेंज आता है रिलेशन पार्टनर्स के रिलेशन में

पहले पढ़ चुके हैं कि इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर तो ऐसे सिचुएशन में भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है तो रिकंस्टिट्यूशन जो है अपने आप में ही एक ऐसी क्राइटेरिया है जहां पे पुराने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई बदलाव आ जाए अब उसके सिचुएशंस अलग अलग हो सकते हैं बेसिकली देर आर फाइव सिचुएशंस ऐसे में पांच सिचुएशन होती हैं जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म को रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ता है आइए डिस्कस करते हैं ये पांच सिचुएशंस हैं कौन कौन सी अगर आप देखो सबसे पहला जो सिचुएशन है दैट इज चेंज इन द प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सबसे पहले अगर पार्टनर्स आपस में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में अगर ये आपस में रेशियोज में कुछ बदलाव कर लें चेंजेस कर लें तो इन दैट सिचुएसन द फॉर्म विल बी रिकन्स्टिट्यूटेड एंड द सेकेंड केस विल बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और अ पार्टनर्स अगर मान लीजिए पार्टनर्स आपस में एडमिशन कोई नया पार्टनर आ जाता है जैसे कि हमने डिस्कस किया पीछे तो ऐसे में पार्टनरशिप जो है रिकंस्टिट्यूट होगी सेम रिटायरमेंट के केस में भी होता है अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाए सपोज करो देर आर थ्री पार्टनर्स और एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो बाय गिविंग अ नोटिस ही कैन ऑलवेज रिटायर राइट तो जैसी वो रिटायर होगा तो पार्टनरशिप को रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड द सेम थिंग गोज़ विद द डेथ ऑल्सो बस ये नेचुरल होता है रिटायरमेंट में बता के होता है डेथ बता के नहीं आएगी तो ऐसे में मान लीजिए तीन या चार पार्टनर हैं उनमें से सडनली एक की या दो की डेथ हो जाती है तो ऐसे में पार्टनर को री पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट में पूछा गया था काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी दैट इज अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स देखिए अमलगमेशन भी एक ऐसी क्राइटेरिया है जहां पे रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो आइए पहले हम लोग अमलगमेशन के बारे में जान लेते हैं कि अमलगमेशन है क्या देखिए अमलगमेशन अगर आप देखो तो अमलगमेशन क्या है रिकन अमलगमेशन जो है कंबिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी और पार्टनरशिप इन टू न्यू एंटिटी जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपनी या फिर पार्टनरशिप को कंबाइन किया जाता है सिमिलर बिजनेस चल रही होती हैं और दोनों आपस में अगर कंबाइन हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन में एक नई एंटिटी बनती है उसी को हम अमलगमेशन कहते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि पार्टनरशिप या फिर कंपनी जब सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही होती है बैड सिचुएशन होती है सर्वाइव अच्छा नहीं हो पाता है उनका बहुत मुश्किल होता है तो ऐसे में जो सिमिलर जॉब होते हैं या काम होते हैं ऐसे में दो कंपनी या दो पार्टनरशिप जिनका काम एकदम सिमिलर है वो आपस में जो है कंबाइन कर जाती हैं और एक नई एंटिटी बनती है दैट इज़ नोन एज एमल गमेशन तो ऐसी सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स रिकन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म का तो आप समझ सकते हो यहां पे ऐसे सिचुएशन में ये जो आप देख रहे हैं ऐसे में ये पांच रीजन है जिसमें जिस रिकन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का नेक्स्ट आता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में रिकन्स्टिट्यूशन होता है तो इससे क्या इफेक्ट आता है वॉट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर्स आपस में डील कर रहे हैं तो इनकी रेशियो में क्या बदलाव आएगा आइए इस एग्जाम्पल से हम समझ समझेंगे देखिए एग्जाम्पल है आपके लिए एक दो पार्टनर हैं एक राज है और एक अरुण है और ये दोनों पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ध्यान रहे थ्री इज टू टू में अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इक्वली बांटेंगे यानी कि वन इज टू वन में बांटेंगे इक्वली मीन्स वन इज टू वन तो पहले ये थ्री इज टू टू में कर रहे थे शेयर अब ये कह रहे हैं कि हम वन इज टू वन में करेंगे तो आइए देखते हैं क्या इससे कुछ चेंजेस आते हैं मान लेते हैं हम लोग सपोज कर लेते हैं कि प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड रहा हो या रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें दैट वॉज थ्री टू टू तो कितना मिलेगा राज को कितना मिलेगा वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो अगर प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड है तो उस हिसाब से राज को जो मिलेगा दैट इज फिफ्टी थाउजेंड का थ्री इंस टू टू थ्री इज टू टू का मतलब है राज का जो हिस्सा हो गया दैट कम्स टू थ्री अपॉन फाइव या आपको पता है कैसे हो जाएगा थ्री इंस टू टू का मतलब है थ्री प्लस टू तो राज का हिस्सा हुआ थ्री अपॉन फाइव अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसको कैंसिल करके देख सकते हो फाइव टेन जा और टेन थ्री जा थर्टी थाउजेंड तो यहां पे इसको कितना मिल जाएगा थर्टी थाउजेंड तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ ये दैट इज दिस इज थर्टी थाउजेंड तो इसको मिलेगा थर्टी थाउजेंड अब अरुण को देखते हैं कितना मिल जाएगा अरुण को मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड अब आप सॉल्व करके ऐसी देख सकते हो फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू अपॉन फाइव तो यहां पे बेसिकली अगर हम देखें तो इसको जो मिल रहा है दैट इज थर्टी थाउजेंड राज को और अरुण को जो मिल रहा है दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड लेकिन जो इनकी रेशियो जो इन्होंने चेंज किया है दैट इज वन इज टू वन इसके अकॉर्डिंग कितना मिलेगा राज को तो आप इसको फिर से सॉल्व करके देख सकते हो राज को आप फिफ्टी थाउजेंड में दोनों को आधा आधा मिलेगा वन इज टू वन का मतलब है वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू तो आधे के हिसाब से दोनों को ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मिल जाएगा अब आप देख सकते हो राज को क्या हुआ पहले थर्टी थाउजेंड ही वॉज गेटिंग थर्टी थाउजेंड नाउ हाउ मच इज ही प्रेजेंटली ही विल बी गेटिंग उजेंड मीन से कितने का किया है आप गिन के देख सकते हो जानबूल रखा है जिससे कि कन्वीनियंट हो तो आप देख सकते हो पहले इसको थर्टी थाउजेंड मिल रहा था अब इसको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिल रहा है तो यह सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं फाइव थाउजेंड का तो एक तरह से देखा जाए तो राज ने फाइव थाउजेंड का सेक्रीफाइस कर दिया सेम विदुण तो देखते हैं अरुण पहले ट्वेंटी थाउजेंड रिसीव कर रहा था नाउ इज गेटिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो अब आप देख सकते हो फाइव थाउजेंड का इसको गेन हुआ है तो एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा और एक पार्टनर को गेन हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होगा तो किसी पार्टनर को गेन करना पड़ेगा किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अगर दो से ज़्यादा पार्टनर हैं तो हो सकता है कि दो पार्टनर सेक्रीफाइज करें और एक गेन करें या वाइस वर्सा दो गेन करें और एक सेक्रीफाइस करे तो ऐसे सिचुएशन चेंज हो सकती है और हमें ये पता होना चाहिए नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट्स हमें क्या क्या करनी पड़ेंगी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है देखिए फाइव ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना होगा और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये पांचों चीजों का हमें ध्यान देना होगा सबसे पहला जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस आता है यानी कि पार्टनरों ने डिसाइड कर लिया कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू डिटर्मिन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इनको सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों सॉल्व आउट करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये हमने देख लिया पीछे कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हुआ तो राज और अरुण के हिस्से में चेंजेस आए किसी ने सेक्रीफाइस किया और किसी ने गेन किया आपने देखा कि राज ने फाइव थाउजेंड किया और उन ने फाइव गेन किया तो इसीलिए हमें ये डिटमिन करना पड़ेगा और दूसरा आता है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल देखिए गुडविल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि गुडविल जो है आ, कोई भी नेम और फेम होता है जो प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है तो जैसे ही पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करेंगे तो जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगा उनका वो हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर इसी तरह से जो रिजर्व्स होंगे पार्टनरों के बीच में या एक्मुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड सेम विद द revaluation ऑफ एसेट्स एंड liabilities also whatever the द एसेट्स एंड present प्रेजेंट इन द बिजनेस और that दैट विल बी रीवैल्यूड हमें दोबारा से उसकी valuation करनी पड़ेगी हमें देखना पड़ेगा कि जितने assets हैं उनमें क्या बदलाव आया है अगर उससे कुछ इनकम हुई है या लॉसेज हुए हैं तो वो आपस में बांटना पड़ेगा उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और लास्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें कैपिटल की भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं तो ये पांच चीज़ें हैं जो आप देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी चेंजेस आए यू विल हैव टू यू नो कैलकुलेट ऑल विल बी एडजस्टेड ओके नेक्स्ट जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने देखा कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो चेंज होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है क्या है बेसिकली सैक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म ये एक ऐसा रेशियो है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइज करते हैं अपने हिस्से का प्रॉफिट किसको जो गेन करता है उसको तो इसका फॉर्मूला है सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला विल बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपको फॉर्मूला लगाना होगा ओल्ड माइनस न्यू अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो दैट इज सेक्रीफाइज लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये आंसर नेगेटिव आ जाए तो अगर ये नेगेटिव आता है तो इसको हम गेन मानेंगे ध्यान रहे तो जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे अगर पॉजिटिव आया ये फॉर्मूला तो दैट विल बी सेक्रीफाइज अगर नेगेटिव आता है तो वो गेन होगा नेक्स्ट गेनिंग रेशियो है गेनिंग रेशियो भी क्या है इट इज अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइजिंग सेक्रीफाइज प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स वही चीज है कि गेनिंग रेशियो क्या है जहां पे एक पार्टनर गेन करता है क्योंकि दूसरे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो न्यू माइनस ओल्ड उसका उल्टा है क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो ज़्यादा होने वाली है तो हमेशा हम ज़्यादा में से ही कम माइनस करते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे अगर ये नेगेटिव आया तो समझ लीजिए कि वो सेक्रीफाइज होगा यानी कि वो पार्टनर सेक्रीफाइज कर रहे हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये इंट्रोडक्शन था और एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि की अपकमिंग जो अपडेट्स हैं आपको मिलते रहे थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे